हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसका आज पार्ट 9 है, आज तक हमने इसके पार्ट 8 कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था आपको पता है? हमने देखा था जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है हमारे स्टेम में किस वजह से होती है, किस किस की एक्टिविटी या एक्टिवेशन के कारण वो होती है। एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम देखा था हमने, एक देखा था हमने कॉर्क कैम्बियम। इसकी वजह से क्या है, हमारे प्लांट्स के अंदर जो स्टेम था उसके अंदर हमने सेकेंडरी ग्रोथ देखी थी। वहां तक हमने हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। ये देखो देखो वेस्कुलर कैम्बियम के कारण देखी थी एक सेकेंडरी ग्रोथ हमने, एक हमने देखी थी कॉर्क कैम्बियम के कारण सेकेंडरी ग्रोथ। ये सारी हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे छू डाइकोट का जो स्टेम होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसे, सॉरी रूट होता है उसमें कैसे हमारे सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, किस वजह से होती है, वो पॉइंट्स हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन द डाइकोट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजन। यहाँ क्या होता है, जो डाइकोट प्लांट्स की जो रूट होती है उसमें जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो कम्प्लीटली उसका ऑरिजन कैसा होता है, सेकेंडरी टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल मींस कनेक्टिव टिश्यू बिकम मेरिस्टेमेटिक ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकोट कॉटिलेडन रूट एंड फॉर्म सेपरेट कर स्ट्रिप ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम बिलो द फ्लोएम बंडल्स। ओके, फिर है देन आफ्टर द सेल्स ऑफ पेरिसाइक्लिंग अबाउट द प्रोटोजाइलम, जो कि फर्स्ट में हमारा बनता है। सब जो यहाँ पर जो टर्म्स आ रहे हैं जो भी है सबके सब मैं क्लियर करवा चुकी हूँ। अब यहाँ प्रोटोजाइलम यानी जो पहले बनने वाला जाइलम होता है उसको प्रोटो बोला गया है। Also become meristematic to form additional strips of cambium. In this way, a complete wavy ring of vascular cambium is formed. यहाँ का इस तरह का क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। द पोर्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम विच इज फॉर्म्ड बाय पेरिसाइकल इज लेस। तो यहाँ क्या है, जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है विच इज फॉर्म्ड बाय पेरिसाइकल इज लेस, उसके अंदर क्या है, पेरिसाइकल जो है वो बहुत लेस होती है एंड इसके कारण क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो बनता है। फिर है द मेन पोर्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यूज। द शेप ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज वेवी इन द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में क्या है, जो शेप होती है हमारे वेस्कुलर कैम्बियम की वो वेवी टाइप की होती है, बट लेटर ऑन इट्स बिकम सर्कुलर। बाद में पहले तो क्या है, इस तरह से वेवी लाइक बनती है एंड बाद में क्या है, सर्कुलर हो जाती है ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के प्रेशर के कारण ये क्या है, सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज इसमें बोली गई है। फिर है द पोर्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू बिकम्स मेरिस्टेमेटिक फर्स्ट एंड फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर की तरफ क्या है, ये सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करवाता है एंड ये क्या होता है, पहले तो मेरिस्टेमेटिक होता है एंड सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करवाता है सेंटर की तरफ। अल्टीमेटली द कैम्बियम कम्स सर्कुलर बाय द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी जाइलम। फिर है द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ रूट इज द सेम एज द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम। यहाँ क्या पॉइंट बोला गया है, जो हमने स्टेम के लिए, डाइकॉट के स्टेम के लिए जो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी पड़ी थी वही सेम यहाँ पर हमारे रूट में भी रहेगी। तो यहाँ क्या, वो सारे पॉइंट अपन वापस से नहीं लाए, जहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है वो चीज लेके आए। जैसे कि यहाँ जो एक्टिविटी है हमारी, ये देखो पहले फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स बनेगा एंड देन उसके बाद यहाँ क्या बनेगा, री इनिशियल्स बनेंगे, फिर उसके पूरा डेवलपमेंट बता रखा है, फिर उसके बाद यहाँ एनुअल रिंग्स। तो यहाँ एक्टिविटी के टाइम यहाँ क्या बन रहा है, दो टाइप की सेल्स बन रही है, एक तो फ्यूजीफॉर्म इनिशियल्स, एक बन रही है यहाँ पर री इनिशियल्स। तो यहाँ पर क्या है, हमारे सेकेंडरी फ्लोएम बनता है एंड सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम को यहाँ वुड बोला गया था। इसी तरह से यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो चीज हमें ध्यान रखना। सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म टुवर्ड्स द इनर साइड, मतलब अंदर की तरफ बनता है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है फॉर्म होता है हमारे आउटर साइड ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम की, जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम इसके बाहर की ओर हमारे बन रहा है, इस तरह से सेकेंडरी फ्लोएम एंड अंदर की तरफ हमारे बन रहा है इसमें सेकेंडरी जाइलम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द पोर्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम विच इज फॉर्म्ड बाय पेरिसाइकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पिथ रेज और मेडुलरी रेज। फिर है यहाँ पर ये बना रहता है हमारे पैरेन्काइमा सेल से। दीज पिथ रेज आर नॉन एज प्राइमरी मेडुलरी रेज या मल्टी स्टेरियट इसको बोला गया है। यहाँ क्या है, हमारे जो पोर्शन है वेस्कुलर कैम्बियम का वो बनता है पेरिसाइकल वाले रीजन से एंड चूंकि रेस्पॉन्सिबल होता है पिथ रेज एंड मेडुलरी रेज को बनाने के लिए।
और ये बना रहता है पैरेन्काइमा टिश्यू से। कुछ पेडुलरी रेज या पिथ रेज जो है आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेनिंग वेस्कुलर कैम्बियम। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेडुलरी रेज, जो कि यूनिस्टीरिएट होते हैं जब, और ये मल्टीस्टीरिएट टाइप के होते हैं। दस टू टाइप्स ऑफ मेडुलरी रेज आर फॉर्म्ड इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स। यहाँ क्या बताया गया है, दो टाइप की मेडुलरी रेज पाई जाती है हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। क्या बोला गया है, टू टाइप की मेडुलरी रेज पाए जाते हैं हमारे जो रूट की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर। अब हम डायग्राम देखते हैं। ये है हमारे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फिर है प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम एंड कैम्बियम। तो यहाँ हमारे फ्लोएम बाहर की ओर होता है, बीच में हमारे कैम्बियम पाया जाएगा एंड उसके बाद है हमारे अंदर की ओर जाइलम। ठीक है, फिर और आगे देखिए हम, इसके बाद क्या बोला गया है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी तो हो, सॉरी प्राइमरी फ्लोएम एंड जाइलम तो यहाँ बन गया। उसके बाद क्या है हमारे, यहाँ इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम बना है एंड इसके अंदर ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हमारे क्या बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखते हैं हम, ये स्ट्रक्चर हो गई। अब यहाँ पर ये देखो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम हमारे कहाँ बता रखा है, इसमें अगर आपको अच्छे से शो करना चाहूं मैं, तो जो ये वाली रीजन है ये है हमारे सेकेंडरी फ्लोएम वाला। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, यहाँ देखो सबसे अपर लेयर है कॉर्क फैलम जिसको बोला गया है, कॉर्क कैम्बियम जिसको फैलोजन बोलते हैं, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये है सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको फैलोडोम बोला गया है, ये वाली लेयर है फैलोडोम ये वाली। ठीक है, फिर सेकेंडरी जाइलम यहाँ कहाँ बन रहा है, सबसे पहले हमारे ये बन रहा है ये वाली लेयर, उसके बाद हमारी बनी ये वाली लेयर, फिर आगे से आगे जा रहे हैं उसके बाद हमारी क्या है, लेयर्स बनती हुई जा रही है। तो इन सबको बोला गया है सेकेंडरी जाइलम। फिर है वेस्कुलर रेज, यहाँ इस तरह से वेस्कुलर रेज बनी हुई है एंड प्राइमरी जाइलम जो है ये वाला है अंदर की ओर। तो ये सारे इसके स्ट्रक्चर है हमारे रूट के अंदर, कौन कौन सी स्ट्रक्चर या लेयर्स हमारे प्रेजेंट होती है और किस टाइप से प्रेजेंट होती है, हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अब देखते हैं, टू टाइप्स ऑफ मेडुलरी रेज आर फॉर्म इन डाइकोट रूट ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। अभी मैंने पहले वाले पॉइंट में ही बताया था, द प्रेजेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेडुलरी रेज इज बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट। तो यहाँ क्या है हमारी रूट में, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, दो टाइप की मेडुलरी रेज का प्रेजेंट होना ये करेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे रूट का। ओनली सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल आर फॉर्म इन डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, बट ऑफ देम कंडक्ट वाटर एंड फूड इन रेडियल डायरेक्शन। अब है कॉर्क कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम द पेरिसाइकल इन रूट्स, कॉर्क इज फॉर्म टुवर्ड्स द आउटसाइड। ठीक है, आपको पता है कॉर्क जो है फैलम जिसको बोला गया है ये बनता आउटसाइड में, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है हमारा फैलोडोम, मैं आपके दूसरे नाम जो है इसके वो भी लिख देती हूँ, उसको फैलम बोला गया है एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोला जाता है फैलोडोम। इस फॉर्म टुवर्ड्स द इनर साइड बाय द कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम क्या है, फैलोजन, कोई तीनों वर्ड्स के दूसरे नाम जो है वो भी याद रखने हैं। लेंटिसेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन रूट्स बट लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू स्टेम। कॉर्टेक्स कम्प्लीटली डीजनरेट हो जाता है इन रूट्स में आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ 1-2 ईयर में। क्या है हमारे जो कॉर्टेक्स है वो रिजनरेट यानी डिग्रेड होने लग जाता है। This falls down due to the pressure of cork, whereas in stem it degenerates after the long duration. ठीक है, यहाँ क्या हमारी गिरने लग जाता है कॉर्क प्रेशर ऑफ कॉर्क के कारण, जबकि स्टेम में क्या होता है ये डीजनरेट होने लग जाता है लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद। सेकेंडरी ग्रोथ इज इनिशियल इन रूट्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ग्रोइंग एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ हमारे जो रूट है उसके लिए इसेंशियल हो जाती है। फिर है जनरली क्लियर एनुअल रिंग्स आर नॉट सीन इन रूट्स बिकॉज रूट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजिंग ऑफ एनवायरमेंट। यहाँ क्या है, क्लियर एनुअल रिंग जो है हमारे नहीं देखी जाती इन द रूट्स बिकॉज रूट जो है हमारे एनवायरमेंट के कारण इसमें कोई अफेक्टेड नहीं पड़ता या इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि ये हमारे सॉइल वाले पार्ट में रहती है। सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट फाउंड इन मोनोकोट रूट्स। आपको पता है मोनोकोट की रूट के अंदर किसी भी टाइप की कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। इन डाइकोट रूट्स
ऑल कैम्बियम एंड मतलब कि कैम्बियम एंड पिथ या मेडुलरी रेज आर सेकेंडरी इन ओरिजन। जितने भी डाइकोट रूट्स हैं उसमें कैम्बियम और मेडुलरी रेज जो है वो सेकेंडरी ओरिजन के होते हैं। वो कुछ पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं स्टील क्या होता है। जैसे कि इस तरह से हमारे क्या क्या होता है मैं बताती हूँ। स्टील विजन के अंदर हमारे क्या क्या आता है ये देखो। ऑल द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन साइड द एंडोडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। जो एंडोडर्मिस वाली लेयर होती है उसके अंदर वाला जो पोर्शन प्रेजेंट होता है उसको स्टील रीजन बोला गया है। द स्टील इज द होल सेंट्रल मास ऑफ वैस्कुलर टिश्यू विथ और विदाउट विथ सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस। स्टील इज सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस वाली लेयर जो है उससे सराउंडेड रहता है। बट एंडोडर्मिस इज ओरिजिनली द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। यहाँ क्या बोला गया है जैसे कि ये हमारी एंडोडर्मिस वाली लेयर है जो कि हमारे कवर करके रखती है पिथ वाले रीजन को, ठीक है। बट जो एंडोडर्मिस, जो ये एंडोडर्मिस वाली लेयर है इसका ओरिजिन स्टील से ना होकर के इसका ओरिजिन होता है हमारे कॉर्टेक्स से, क्योंकि कॉर्टेक्स के जस्ट बाद वाली लेयर हमारे एंडोडर्मिस होती है इस वजह से। फिर है इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टील वॉन टैगम एंड डोडोट पुट। ये है हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने स्टील बताया था। फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ स्टील या स्टीलर थ्योरी। According to him, steel is the central part या core of the axis of the plant which include the vascular system and related structures। ये इन्होंने बताया। The tissues which lies inside the steel are called intra-stellar tissue and जो tissue outside होता है उसको extra-stellar tissue बोला गया है। Stellar system started from pteridophytes। हमारे क्या है pteridophyte में अलग अलग टाइप के स्टील्स प्रेजेंट होते हैं। किसी में प्लेट लाइक इस तरह से प्लेट शेप में, किसी में इस तरह से स्टार शेप में, ठीक है, किसी में इस तरह से, मतलब स्टील जो है अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। और टेरिडोफाइट सीज हमारे प्लांट्स में स्टील सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ था, ये चीज में बोली गई है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन स्टील के टाइप। जैसे कि प्रोटो स्टील जो कि बहुत प्रिमिटिव टाइप का था तो ये है सॉलिड स्टील, ठीक है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे राइनिया, हॉर्नोफाइटोन, साइलोटम, लाइकोपोडियम, ये सारे हमारे टाइडोफाइट्स और इनके अंदर जो स्टील प्रेजेंट था वो प्रोटो स्टील प्रेजेंट था जिसको सॉलिड स्टील भी बोला गया। अब है हमारा सेकंड साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील जो है वो भी अपने आप में दो टाइप का है, एक तो है एक्टो, एक है एम्फी। तो एक्टो साइफोनो स्टील जो है उसके एग्जाम्पल है इक्विसिटम एंड ऑस्मुंडा, जबकि एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील जो है हमारा उसका है एडियंटम एंड मार्शिलिया एग्जाम्पल। फिर है हमारा डिक्टल स्टील जिसको पॉलिस्टेल भी बोला गया है। इसमें टेरिडियम, टेरिस, ट्रायोटेरिस, यूस्टील जो है ये जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट्स के जो स्टेम है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि एटेक्टो स्टील जो होता है वो मोनोकॉट के स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ क्या है डायरेक्ट हमारे एग्जाम्पल और स्टील के नाम देखे किस टाइप का प्रेजेंट है। इसमें से भी हमारे नेट में भी आरपीएससी है, गेट हुआ, सभी एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ डेफिनेशन नहीं पूछते, ओनली एग्जाम्पल दे देंगे, इस तरफ एक तरफ आपको दे देंगे। जैसे कि मैं इस तरह से टेबल फॉर्म में यहाँ के एग्जाम्पल्स जैसे मैं बता दूं, यहाँ प्रोटो स्टील लिख दिया मैंने, यहाँ डिक्टियो स्टील लिख दिया, यहाँ यू स्टील लिख दिया, एंड यहाँ मैंने लिख दिया एम्फियोफ्लोइक साइफोनो स्टील लिख दिया। अब यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही, तो आपको जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मार्शिलिया, ठीक है, एंड एक लिख दिया मैंने यहाँ पर टेरिस लिख दिया, एक मैंने लिख दिया यहाँ पर राइनिया, एंड लास्ट मैंने एक लिख दिया यहाँ पर जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब आपको यहाँ ऑप्शंस दे देंगे जैसे कि फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये सी है, एंड ये है हमारा डी, एंड बी सी एंड डी। तो यहाँ पर क्या है ये 1 2 3 4 यहाँ मैशता टाइप का आपको दे देंगे, एंड यहाँ पर जैसे कि ए का कौन सा रहेगा, बी का कौन सा, जैसे ए का मैं यहाँ अगर ऑप्शन बनाना चाहूँ तो ए का यहाँ 3 है, फिर है बी का हमारे का इक्वल्स टू सेकंड हो जाएगा, एंड सी का हमारे हो जाएगा 4, एंड डी का हमारे यहाँ हो जाएगा एम्फी में हमारे मार्शिलिया, ठीक है, तो हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से आपका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आरपीएससी भी पूछती है, नेट भी पूछता है, एंड आपका गेट भी पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत
इजी होते हैं, बट यहाँ के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट इनको लर्न करोगे आप एक दो बार तो आपको लर्न हो जाएगी ये टेबल बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ था हमारे स्टील के बारे में। अब हम देखते हैं एनामोलस प्राइमरी ग्रोथ। नॉर्मल जो हमारी प्राइमरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है प्लांट में, उसमें कुछ अलग टाइप की एबनॉर्मल ग्रोथ पाई जाती है, उसको बोला जाता है हमारे एनामोलस प्राइमरी ग्रोथ। इसी टाइप से सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसमें भी एनामोलस सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखी जाती है, क्योंकि प्राइम सेकेंडरी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसमें कुछ डिफिकल्टी आना, कुछ अलग टाइप का फंक्शन होना, उन सबको बोला जाता है, इसको हिंदी में बोलना चाहे तो असंगत टाइप की जो ग्रोथ होती है उसको बोला जाता है एनामोलस ग्रोथ। एनामोलस स्ट्रक्चर इन डाइकोटिलेडन स्टेम में सबसे पहले यहाँ बताई गई है। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल हमारे क्या है, नॉर्मली स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल जो होता है हमारे पाए जाते हैं, कोई चीज पता है मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल जो होता है हमारे मोनोकोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वैस्कुलर बंडल, जबकि यहाँ हमारे डाइकॉट के स्टेम में बताया गया है, तो यहाँ क्या हो रहा है अब नॉर्मल टाइप की प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन सम डाइकोटिलेडन स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर नॉट अरेंज इन ए रिंग, दे आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, यही क्या है इस तरह से स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह से बिखरे हुए ये प्रेजेंट रहते हैं कहीं कहीं पर, जबकि ये जो बिखरे हुए स्कैटर्ड टाइप के जो वैस्कुलर बंडल है ये हमारे मोनोकोट्स में प्रेजेंट होते हैं, और डाइकोट्स में जो है हमारे इस तरह से वैस्कुलर बंडल एक रिंग में प्रेजेंट होता है, इस तरह से ये पूरी हमारी रिंग बन रही है, इस तरह से रिंग में प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे यहाँ पर क्या है स्कैटर टाइप के प्रेजेंट रह रहे हैं, तो ये एक तरह की एनामोलस ग्रोथ हो गई। एग्जाम्पल है यहाँ पर, अब कौन कौन से प्लांट्स में इस टाइप के स्कैटर टाइप की डाइकोटिलेडन होते हुए भी इस टाइप का उनका अगर कैरेक्टरिस्टिक देखा जा रहा है, तो यहाँ है पेपनिया, पेपेवर, निम्फिया एंड एलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कुछ हमारे मोनोकोट के स्टेम है, उनमें नॉर्मली हमारे किस टाइप के भी मैंने आपको बताया था स्कैटर टाइप के वैस्कुलर बंडल मोनोकोट में होते हैं, बट यहाँ पर एक रिंग में अरेंज टाइप के वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है एक एनामोलस टाइप की ग्रोथ हो गई। तो यहाँ देखिए नॉर्मली वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन मोनोकोटिलेडन स्टेम इन स्कैटर्ड इन फॉर्म, बट इन सम स्टेम ऑफ बट इन द स्टेम ऑफ सम मोनोकोटिलेडन प्लांट वैस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन रिंग, तो मैं नॉर्मली लिखना चाहूँ यहाँ पर रिंग टाइप के वैस्कुलर बंडल हमारे पाए जाते हैं नॉर्मली डाइकॉट प्लांट्स में। ठीक है, ये हो गया उसका डायग्राम, बट कुछ हमारे मोनोकोट्स में भी इस टाइप का करेक्टर्स पाया जाता है। मेंबर्स ऑफ फैमिली ग्रेमिनेसी सच एज टिट्रिगम जो कि वीट है, सीरियल्स, एविना और राइजा जो की राइस जो है उसका एग्जाम्पल है। इस टाइप की जो भी हमारे प्लांट्स है ये मोनोकोटिलेडन्स में आते हैं, मतलब मोनोकोट होते हैं, फिर भी इनके अंदर जो वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है वो स्कैटर टाइप का ना होकर के रिंग टाइप का प्रेजेंट होता है। तो ये थी एनामोलस टाइप की कुछ मोनोकॉट में एंड कुछ डाइकॉट स्टेम के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा टाइप के पॉइंट्स। अब यहाँ पर है कुछ पॉइंट्स दे रखा है, यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे क्रिकेट बैट जो है हमारे कौन सी वुड होती है जिससे हमारे क्रिकेट बैट बनते हैं, वो है हमारे कौन सी वुड होती है साइलिक्स टाइप की जो वुड होती है उससे हमारे क्रिकेट बैट बनते हैं। हॉकी जो पेड़ होते हैं वो बनते हैं हमारे मलबेरी वुड से। फिर है बिलियर्ड्स बेल जो होता है वो हमारे बनते हैं लोवरी पाम से। फिर है योलिन जो होता है हमारे बनता है पीशिया से। फिर है मोनार्च कंडीशंस जो होती है टैप रूट में पाई जाती है, आपको पता होगा पायार्च कंडीशन जो है पाइसम रूट्स में प्रेजेंट होती है। फिर है टेट्राट कंडीशन जो होती है हेलियंथस जो हमारा सनफ्लावर होता है या साइसर जो कि हमारा ग्रैम होते हैं उनके रूट्स में टेट्रास टाइप की कंडीशन प्रेजेंट होती है। फिर है च्युइंगम इज मेड अप ऑफ लेटेक्स ऑफ एरेकिस सपोर्टा, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये कुछ चीजें ये है कि जो आपके माइंड में अच्छे से रहनी चाहिए। फिर है सिस्टोलिथ कंटेनिंग सेल्स आर फाउंड इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ फाइकस लीफ कॉल्ड लिथोसिस्ट एंड लिथोसिट्स। ठीक है, फिर है लिग्निन जाइलम जो होता है इज स्टेन बाय सैफ्रेनिन एंड फ्लेम स्टेन होता है हमारी फास्ट ग्रीन से, चीज आपको पता होगी आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो आपको पता है लिग्निन जो होता है इसको हम सैफ्रेनिन से करते हैं, मतलब जाइलम को फ्लोएम को हम फास्ट ग्रीन से हम स्टेन करते हैं। ट्रांजिशन ऑफ एक्सॉन बंडल ऑफ रूट टू एंडार्च बंडल्स ऑफ स्टेम अकर्स इन हाइपोटाइल,
फिर है नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड जो होती है, सेल कंटेन ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म एंड लार्ज अनऑक्यूपस न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। इन सम प्लांट्स लाइक डेट फॉर्म इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ स्टेम अकर्स ड्यू टू प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम। तो ये सारे पॉइंट्स देते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। अब कुछ हमारे जो डाइकोट स्टेम है उसके अंदर कुछ एनाफेज टाइप की ग्रोथ बता रहे हैं। तो अगर हम ये देखना चाहें तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्कैम्बियम ऑफ एपिडर्मिस, यहाँ क्या है, कॉर्कैम्बियम का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, एपिडर्मिस। ये एनामोलस टाइप की ग्रोथ है, जबकि कॉर्कैम्बियम का फॉर्मेशन हमारे एपिडर्मिस से नहीं होता है, जैसे कि मैलस हो गया, सोलेनम हो गया एंड हमारा जो ऑक है क्रिकस सुबर ऑक, उन सब में इस टाइप का एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती था। कॉमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट क्रिकस सुबर विच इज कॉमनली फाउंड इन पॉटक्यूल एंड पॉट ऑफ स्पीन। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्कैम्बियम फ्रॉम पेरिसाइकल, अब पेरिस जो कॉर्कैम्बियम है उसका फॉर्मेशन पेरिसाइकल से हो रहा है, वो हो रहा है क्लीमेंटिस में, किसी किसी में फ्लोएम से हो रहा है, वो है विटिस या बेलबेरिस, ठीक है। फिर फ्लोएम इज एम्बेडेड इनटू द, ये देखो हमारा फ्लोएम जो है वो धसा हुआ है सेकेंडरी जाइलम, कुछ प्लांट्स में सेकेंडरी जाइलम के अंदर, जैसे कि इस तरह से हमारा जाइलम है, इसके अंदर बीच बीच में इस तरह से हमारे फ्लोएम जो है वो धसा हुआ है, इस तरह से ये पूरा हमारे जाइलम में बना रही हूँ इस तरह से, उसके बीच बीच में इस तरह से हमारा क्या है, फ्लोएम धसा हुआ प्रेजेंट रहता है। सच फ्लोएम इज कॉल्ड इंक्लूडिव फ्लोएम एंड एक्स्ट्रा जाइलरी फ्लोएम, क्योंकि ये इसके अंदर क्या है, धसा हुआ प्रेजेंट है। तो ये सेकेंडरी एनामोलस टाइप की स्ट्रक्चर है, और ये लैप्टिडिनिया साल्वेडोरा जो है डाइकॉट स्टेम उनके अंदर इस टाइप का आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। अब है एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इन जिम्नोस्पर्म स्टेम, इन साइकस निटम अनवा सक्सेसिव रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम आर फाउंड, ठीक है। तो ये थी हमारे डाइकॉट जो स्टेम है उसके अंदर, मतलब कि कौन से रीजन से क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि एनामोलस जो ग्रोथ है सेकंड स्टेम में, जैसे कि एपिडर्मिस और कैम्बियम से बन रहा है, कभी कहाँ पर पेरिसाइकल फ्लोएम, कहीं कहीं पे क्या हमारे जाइलम के अंदर फ्लोएम धसा हुआ रहता है, कहीं कहीं क्या होता है जो पिथ वाला रीजन होता है इस तरह से, वहां पर ही क्या है हमारे जाइलम फ्लोएम बनने लग जाते हैं, तो मेडुलरी बंडल बोला जाता है उनको। इस टाइप की कुछ कुछ टाइप की ग्रोथ जो है हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, तो इन्हें ही एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ बोला गया, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी उनके दिए हुए हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, हम इन्हें देख लेते हैं एक बार, और ये हमारा चैप्टर जो है कम्प्लीट हो जाएगा। फिर इन रूट्स द पैरेन्काइमेटा सेल्स विच लीज बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, उसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यूज। द टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ आर टू लैटरल मेरिस्टेम वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्कैम्बियम, ये चीज मैंने आपको अभी समझाया था तब, कॉर्कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है लैटरल मेरिस्टेम में। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन मोर एंड लेस इंटैक्ट इन और Around the center. Bark is a non-technical term that refers to all tissue exterior of the vascular cambium. In monocot stem, water-containing cavity are present within the vascular bundles. तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीजें मैं सबको समझा चुकी हूँ। लास्ट में कुछ पॉइंट, ये पॉइंट्स हैं जो कि बहुत थोड़ी टाइप इंपोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए इनको वापस से बताया गया। ये था हमारे प्लांट एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पूरा जो चैप्टर था हमारा, पूरा यूनिट जो था वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आपके लिए जो गेट के लिए इम्पोर्टेंट प्लांट फिजियोलॉजी है मैं वही करवा रही हूँ। नेट को भी जो गेट वाला पोर्शन है प्लांट फिजियोलॉजी का, वो 50-60% आपका कवर कर लेगा नेट वाले पोर्शन को भी। बट आप ये मत समझना कि वो जो प्लांट फिजियो मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी, वो गेट के पर्पज से एंड आपके आरपीएससी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बीएससी के पर्पज से भी, ठीक है। आप उसको नेट के पर्पज से पूरा 100% मत मानना, क्योंकि वो नेट के पर्पज से पूरा फुलफिल नहीं करती है सिलेबस को। वो क्या है हमारी आरपीएससी गेट एंड ये जो है नेट को हमारे करेगी 50-60% एंड एमएससी, इन सब चीजों को वो क्या है कवर करेगी। मैं गेट के लिए अलग से आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी, ये मैं आपको गेट के लिए पढ़ा रही हूँ अभी। तो मैं अब आगे जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो प्लांट फिजियोलॉजी में स्टार्ट करवाऊंगी। अगर आप कोई और यूनिट चाहते हो तो उसका सजेशन भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।